तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मेथड टू। ये मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें जिससे हम किसी भी तरीके के नंबर्स को बड़ी आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमको याद रखना है, बस उनको उसी के हिसाब से हम करते चले जाते हैं, ठीक। तो चलिए, ये मेथड टू है। ये मेथड टू एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स के नाम से जाना जाता है, वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। एक्स कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होनी चाहिए, ओके, यानी रूट के अंदर रूट ना आ जाए, है ना, समझ गए ना, ठीक। पॉजिटिव यानी क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या बोले, पॉजिटिव बोले। तो इसमें जो पहला स्टेप है बेटा, स्टेप वन वही ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन आपको बड़ी सी क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना, एक आपको बड़ी सी लाइन क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, है ना। एक बड़ी सी लाइन अगर हम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर, क्लियर, ओके। स्टेप टू मार्क अ सेगमेंट ए बी इक्वल टू एक्स, यानी यहीं पे एक पॉइंट, एक सेगमेंट आपको क्या मानना है, ए और एक बी मानना है, एक पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी माननी है बेटा, एक्स माननी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी माननी है, एक्स माननी है। स्टेप थ्री ओके, मार्क अ सेगमेंट बी सी, क्या बेटा, बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर राइट टू बी, बी के राइट साइड एक 1 सेंटीमीटर पे हमको क्या करना है, सेगमेंट ले लेना बेटा, कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक पॉइंट सी लेना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रखनी है, 1 सेंटीमीटर रखनी। स्टेप फोर बेटा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी। अब ए सी का आपको क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी। इससे रिलेटेड वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन रेशनल नंबर, कि बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग कंपास उठाते हैं, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं नुकीला वाला, कंप्लीट यहाँ ले जाते हैं, इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी मोर देन हाफ होना चाहिए, मोर देन हाफ ले करके दो आर्क लगाते हैं, ए सी से हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ए सी का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, यानी नुकीला वाला पॉइंट एक बार यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, एक बार नुकीला वाला पॉइंट सी पे रख के आर्क लगाएंगे, तो यहाँ ऐसे कट करेंगे दोनों आर्क। इन दोनों आर्क को हम क्या करेंगे बेटा, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ज्वाइन कर देंगे, तो जो ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, हम ओ दे रहे हैं, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ क्या होगा बेटा, ए सी लाइन ए सी सच दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ओ जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है ना बेटा, ये आ गया आपका, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चले आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, स्टेप फाइव में क्या करना है बेटा, टेक ओ सी एज रेडियस, क्या बेटा, ओ सी एज रेडियस। अच्छा ये मिड पॉइंट है, तो ओ ए बराबर ओ सी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, ओ ए बराबर ए सी दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, क्लियर। अच्छा टेक ओ सी एज रेडियस एंड ओ एज सेंटर, मेक अ सेमी सर्कल, ठीक बेटा। यानी इसको सेंटर माने, यानी नुकीला वाला पॉइंट ओ पे रखेंगे, है ना, ओ सी को हमने रेडियस लिया, नुकीला वाला पॉइंट यहाँ रखा,
ये नुकीला वाला पॉइंट यहाँ रखा कंपास का, और OC को रेडियस लेते हुए कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, एक सेमी सर्कल हमने बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, बन नहीं रहा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ से एक सेमी सर्कल हमने क्या कर दिया? अरे यार, तो यहाँ से एक सेमी सर्कल, आई होप इस बार अच्छा बन गया, हाँ अच्छा बन गया। तो एक सेमी सर्कल यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर बेटा? सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर क्या करते हैं, स्टेप आप लोग लिख लेना, स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्स में क्या करते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट बी। बी पे क्या ड्रॉ करना है आपको? परपेंडिकुलर बेटा, चाहे कंपास से ड्रॉ कर लो चाहे बना लो, वो भी सिखाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, विच मीट्स सर्कल एट डी, जो कि सर्कल को कहाँ पे मिलती है बेटा? डी पे। यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए, जो सर्कल को कहाँ पे मिलेगी बेटा? डी पे। कहाँ पे? डी पे, क्लियर? कहाँ पे मिलेगी बेटा? डी पे। फिर हम क्या करते हैं, ओ डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक बेटा, ओ डी। स्टेप सेवन, स्टेप सेवन में बेटा आप देखेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, टेक बी डी एज रेडियस एंड बी एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल विच मीट्स लाइन एट ई, विच इज लोकेशन ऑफ, विच इज लोकेशन ऑफ रूट एक्स। ओके बेटा, यानी हमको बी को सेंटर मानते हुए यहाँ पे आप देख लेना बी डी, वाई भी प्रूफ भी कराएंगे, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स आ जाता है। बी डी इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा? रूट एक्स। ये लेंथ बाई कैलकुलेशन, बाई मैनिपुलेशन अभी मैं प्रूफ भी कराऊंगा, रूट एक्स आ जाएगी। बस बी को हम ओरिजिन मानते हैं और यहाँ पे कंपास का नुकीला वाला पोर्शन रखते हैं और पेंसिल यहाँ डी पे रखते हैं और यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं। ये कहाँ मिलती है बेटा? ई पे। ई पॉइंट हमारा क्या होता है बेटा? रूट एक्स होता है। ये बड़ा आसान होता है, इतने सात वात स्टेप्स में बड़े आराम से, बहुत नॉर्मली अच्छे से ये आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है बेटा। ठीक, फिर से रिकॉल करा देता हूँ, एक हमको सबसे पहले ए बी लेंथ जितना दिया है, एक्स लेंथ अपनी मतलब स्केल से उसको ड्रॉ कर लेना है, ए बी पॉइंट मार्क करना है, फिर बी से सी पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, फिर ए सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को मिड पॉइंट ओ दे देना है, और ओ सी को रेडियस मान, ओ को सेंटर मानते हुए, ओ सी को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, फिर बी पॉइंट हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और जो ये मिलेगा डी पे, फिर हमको ये ज्वाइन कर देना है ओ डी को, और बी डी को रेडियस लेते हुए, डी को ओरिजिन लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल इस लाइन को ई पॉइंट पे मिलेगा, जो कि क्या होगा बेटा? लोकेशन ऑफ द रूट एक्स, बी हमारा ओरिजिन हो जाएगा और रूट एक्स यहाँ से आ जाएगा, है ना? तो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट मेथड। आइए अब इसका हम क्या देख लेते हैं, प्रूविंग, है ना? तो प्रूव, प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव बी डी इक्वल टू रूट एक्स, है ना? तो हमको ये देखना है कि बी डी इक्वल टू रूट एक्स होगा। ओके, बी डी इक्वल टू रूट एक्स होगा, हमको ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा? एक्स। ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि ये एक्स है और ये वन है, तो ये एक्स प्लस वन आ जाएगा। ओके, और ये बेटा क्या होंगे? हाफ ऑफ ए सी होंगे।
एसी का हाफ होंगे क्योंकि रेडियस है, हमने ड्रॉ किया ना भाई कंस्ट्रक्शन, एसी का बाइसेक्टर मिड पॉइंट ओ है, तो ओसी एसी का हाफ होगा ना क्योंकि उसका मिड पॉइंट है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत, ओसी आ गया बेटा। चल हमको और क्या पता है, वी नो दैट बीसी इज इक्वल टू वन है ना बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन ये हमने ऐसा किया था, 1 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम बेटा OB की बात करें, किसकी बात करें, OB किस लेंथ की, OB लेंथ की बात करें, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, OC माइनस टोटल OC होगी और उसमें से BC घटा दें, OB ये लेंथ, यानी टोटल OC होगी और उसमें से ये इतनी घटा दें। हमको क्या निकालनी है बेटा, OB निकालनी है, OC टोटल में से इतना घटा दें, यानी ये देखिए ये ओ सी है और ये बी है, ठीक। इसमें से इतनी लेंथ हम बी सी को क्या कर दी, ओ सी में से, ओ सी टोटल है, बी सी में से इसको हटा दिए, हटाने का मतलब क्या होता है, इरेज कर दिए। ओ सी बराबर क्या हो गया, ओ बी बराबर क्या हो गया बेटा, ओ सी कंप्लीट माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी, ओ सी बेटा भी हमने निकाला है हाफ ऑफ द एक्स प्लस वन और ये बेटा कितना है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे भाई एलसीएम ले करके, एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस टू यहाँ से आ जाएगा हाफ एक्स माइनस वन, क्लियर बेटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये सिंपलीफाई हो जाएगा, क्लियर, इतना समझ लीजिए। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, अब हम ध्यान से देखें, ट्रेंगल ओ बी डी, राइट एंगल ट्रेंगल क्या है बेटा, राइट एंगल्ड ट्रेंगल, कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल्ड ट्रेंगल है ना, और हमने शुरू में ही बता दिया कि राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहां से डायरेक्ट बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ओडी का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, यानी ये 90 बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया था ना, तो ओडी का स्क्वायर यानी 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर BD का स्क्वायर, क्लियर बेटा। हमको निकालना क्या है, BD, तो यहां से BD का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OD का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो माइनस OB का स्क्वायर, क्लियर बेटा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, बाकी इधर कर लेता हूं, ठीक, आपको लिख लेता हूं बैक करके। तो यहां से BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, OD का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर कितना आया था, हाफ हाफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना आया था बेटा, सॉरी माइनस हाफ x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर, गड़बड़ हो रहा है, ओडी का स्क्वायर बराबर कितना बेटा, ओ ओडी का स्क्वायर, हाँ ओडी कितनी है, रेडियस है, तो रेडियस ओडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओडी इज द रेडियस, तो रेडियस कितनी है बेटा, हाफ एक्स प्लस वन बाई टू, रेडियस अभी निकाला था ना, ओसी बराबर ओडी, तो ये टोटल एक्स प्लस वन है, तो ये एक्स प्लस वन बाई टू, OD बराबर x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, OB होना चाहिए, OB का स्क्वायर, ये क्या है, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, क्लियर, OB का स्क्वायर है ना, तो यहां से OB का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, अभी निकाले हैं x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, तो यहां से देखिए 1 बाई 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यानी 2x और यहाँ से बेटा माइनस x स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस फॉर्मूले में आएगा, इसको क्या कर देगा प्लस 2x है ना, ये a माइनस बी से ओपन किए, ये कट गया, कितना आया bd का स्क्वायर बराबर 1 by 4 into 4
4x, 4 से 4 कट गया, BD इक्वल टू कितना आ गया बेटा x, BD का स्क्वायर इक्वल टू x, तो BD इक्वल टू कितना आ गया बेटा रूट ऑफ रूट, क्या हो गया रूट, है ना। प्रूविंग नहीं करना है, प्रूविंग नहीं पूछा पूछा जाता, हम आपको प्रूव करा के बता दिए हैं, बस कंस्ट्रक्शन आपको करना है और स्टेप्स लिखने हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन करना है, स्टेप्स लिखने, प्रूविंग वाला स्टेप आपको एक भी फॉलो नहीं करने है ना। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं रूट थ्री वाला, उस मेथड से काफी दिक्कत किया था, तो इस मेथड से रूट थ्री को हम ज्वाइन, इस मेथड से किसी को भी आप लोकेट कर सकते हैं, किसी को भी रूट थ्री रूट फाइव चाहे जो, यहां से बस लिखिए रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। तो बेटा आपको कंपास उठाना, बिना कंपास के नहीं होगा, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, स्टेप्स वाले लिखते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचा जाता है, फिर उसमें से रूट एक्स माना जाता है, यानी रूट के अंदर जितना हो, रूट के अंदर क्या है बेटा थ्री, तो थ्री यूनिट यहाँ से मान लेंगे, स्केल से पटरी से थ्री यूनिट यहाँ मान लेंगे, थ्री थ्री सेंटीमीटर यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे। फिर बेटा यहाँ पे एक सी पॉइंट लिया जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ली जाती है 1 सेंटीमीटर, किससे स्केल से ही हम उसको भी कर देंगे, है ना। फिर क्या किया जाता है बेटा कंपास लगाएंगे, है ना, मोर देन हाफ, ये हाफ से थोड़ा, ये फुल है इससे थोड़ा सा कम है, एक नुकीला वाला पॉइंट एक रखो, वो वाला पॉइंट सी पे पेंसिल वाला उससे कम कर दो, ठीक, और फिर एक आर ऊपर लगाओ एक नीचे, फिर नुकीला वाला पॉइंट यानी सी को सेंटर मानो, एक बार यहाँ आर एक बार यहाँ, इन दोनों को मिला दो बेटा, मिला दिए ये पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट होगा, इसको ओ ले लो, ठीक। फिर ओ सी को क्या, ओ सी, ओ सी को क्या करो रेडियस मानो, और अपने कंपास का नुकीला वाला पॉइंट को फिर रखो सी पे और पेंसिल का पॉइंट सी पे, और यहाँ से घुमा के सेमी सर्कल रखो, ये सेमी सर्कल बन जाएगा बेटा, क्लियर, क्या बन जाएगा सेमी सर्कल बन जाएगा। फिर बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, बी पे क्या करना होता है परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लो, या तो 90 डिग्री ड्रॉ करना सिखाए हैं, तो आपको क्लास 9 ईयर से आप सीखे हो, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया, चलिए ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को डी लोकेट करिए और ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ओसी बराबर ओडी होगा बेटा। अब क्या करिए बीडी 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 को आप क्या करिए रेडियस मानिए, बीडी को रेडियस लीजिए, यानी अपना कंपास उठाइए, नीला वाला पॉइंट डी कर दिए और पेंसिल वाला पॉइंट डी कर, बीडी रेडियस हो गया और बी आपका सेंटर, और यहां से फिर आप अपनी पेंसिल घुमा दीजिए, ये यहां कट करेगा ई पॉइंट पे जो कि रूट, क्लियर बेटा। आपको इसी तरीके से कंपास की मदद से करना है, जब तक आप कंपास उठा के नहीं करोगे, मैं जितना बोलूं, वीडियो रोको और उसको करो, ठीक, वीडियो रोको फिर उसको करते चले जाओ, अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, है ना। स्टेप से लिखो, स्टेप में पहला क्या है ना, स्टेप 1 ड्रॉ अ लाइन, सबसे पहले हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा स्टेप हमने क्या किया था स्टेप 2 है मार्क अ पॉइंट, मार्क अ सेगमेंट, अ सेगमेंट ए बी, क्या बेटा ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। स्टेप 3 मार्क अ सेगमेंट बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर राइट टू बी, है ना, बी टी राइट टू बी, ओके बेटा। फिर हमने क्या किया स्टेप 4 में, हमने क्या किया स्टेप 4 में हमने क्या किया था एसी का बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट बोला था, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एसी, है ना, एसी का हमने क्या किया फिर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मिड पॉइंट इज ओ, हमने ओ को क्या मान लिया बेटा मिड पॉइंट, है ना। फिर स्टेप